आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट। तो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। इन प्रॉब्लम्स को हमने एलिमिनेशन मेथड के जरिए से सॉल्व करना है। तो चलिए हम पहले पार्ट पे जाते हैं। तो पहला पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रिक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रिक्शन। तो हमें पता है फ्रिक्शन जो होती है वो इस डिवाइड की शेप में होती है, x बाय y, 1/2, 3/4, 6/7, इन सबों को हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन में बता रहा है इस फ्रिक्शन में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आपको पता है जो ये एक्स है यहाँ पर, अपर पार्ट ऑफ दिस लाइन इज न्यूमिनेटर, और ये वाई यहाँ पर, ये वाई है डिनोमिनेटर। को इस लाइन के अपर पार्ट को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, तो डिवाइड में जो है इसके हैं तो उसको हम डिवाइड में जो होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या बता रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, लेकिन ये बता रहा है जब हम ऐड करते हैं 1 न्यूमिनेटर को एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर को, ए फ्रिक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रिक्शन रिड्यूसेस, फ्रिक्शन बन जाती है इक्वल टू 1। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं दिखा रहा है कि न्यूमिनेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो सपोज मैं न्यूमिनेटर को x रखता हूँ और डिनोमिनेटर को y रखता हूँ। अब क्वेश्चन की तरफ जाइए, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, इन दो में से x न्यूमिनेटर है और y डिनोमिनेटर, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, इसका मतलब x प्लस 1, x को ये ऐड कर रहा है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इस y को माइनस कर रहा है 1 क्योंकि y डिनोमिनेटर है, फ्रिक्शन रिड्यूसेस टू, फ्रिक्शन बन जाती है 1। ए केस यहाँ तक, ये लाइन हमने यहाँ तक पढ़ी। अब इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं ये क्या लिख रहा है, इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये लिख रहा है इसी फ्रिक्शन को जब हम इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम डिनोमिनेटर को सिर्फ 1 ऐड करते हैं उस वक्त फ्रिक्शन बन जाती है 1/2, फ्रिक्शन रिड्यूसेस टू 1/2। तो व्हाट इज़ द फ्रिक्शन हमें बताना है। फिर बताइए ये फ्रिक्शन क्या है, ये एक्स बाय वाई क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, अब हम चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको कैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आप याद रखिए आंसर शीट पे सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर पार्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब मैंने जो ये बनाया आपके लिए, ये रफ वर्क, इसी रफ वर्क को मैं यूज करता हूँ यहाँ पर इधर। तो चलिए मैं लिखता हूँ, लेट the numerator of the friction be x, मैंने numerator को x रखा, and डिनोमिनेटर बी वाई। तो फ्रिक्शन को हमने रखा एक्स बाय वाई, दैट इज एक्स बाय वाई, ये हमारी फ्रिक्शन है एक्स बाय वाई। नाउ
according to question. अब question क्या बता रहा है? According to question, अब question पे जाते हैं हम. Question बता रहा है, जब हम इस friction को 1 add करते हैं numerator को और 1 subtract करते हैं denominator को, friction बन जाती है 1. मैं लिखूंगा इधर. According to question, x plus 1, जब हम 1 करते हैं add, इसको और 1 करते हैं, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the friction reduces to 1. A case, अब second case, ये वाला second case, इसको line डाल के given लिखिए, ये हमारे पास given है. Also, x by y plus 1 is equal to 1 by 2. ये वाला केस जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि सेकंड केस में क्या हो रहा है. अब ये है हमारा क्वेश्चन जिसको मैंने फ्रेम किया. यहां तक आपने एग्जाम के लिए अच्छी तरह से याद रखना है क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है. तो इसके बाद कैलकुलेशन है. जिस स्टूडेंट को जितनी आती है वो उतनी कर सकता है. इसके बाद इजी है ये क्वेश्चन. तो चलिए मैं इन दो को अब सॉल्व करता हूं. ये एक है, ये दूसरी, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है. इनको मैं आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं. तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं. यहां पर डिवाइड में 1 है. मैं इन दो को मल्टीप्लाई करता हूं. x plus 1 is equal to y minus 1. यहां y minus 1, तो यहां पर x minus y is equal to, गौर से देख लेना, minus 1 minus 1. ये कैसे हुआ? x plus 1 is equal to y minus 1, x minus y. इस y को मैंने इधर आया, इस 1 को मैंने राइट साइड में लिया, minus 1 minus 1, ये बना x minus y is equal to minus 2. तो ये हमारी एक इक्वेशन है. इसको मैं रखता हूं फर्स्ट नाम. आल्सो सेकंड इक्वेशन क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं. ये बनेगा 2x is equal to y plus 1. तो यहां पर ये बनेगा 2x is equal to y plus 1, 2x minus y, इस y को मैंने लेफ्ट में लाया, is equal to 1. ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन. तो मैं इन दो इक्वेशंस को एक ही जगह पर लिखता हूं, x minus y minus 2 और 2x minus y is equal to 1. अब इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड के जरिए से. क्वेश्चन में बताया गया है कि इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए एलिमिनेशन मेथड के जरिए से. तो एलिमिनेशन मेथड की पहली स्टेप जो है कि सेंटर टर्म को सेम लाना. ये ऑलरेडी सेम है, इसका मतलब एक स्टेप हमारे पास है, वो नहीं करनी है. अब सेकंड स्टेप पे जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड की सेकंड स्टेप. तो उसके बाद एडिंग करना है या सबट्रैक्टिंग करना है. हमारा साइन जो यहां पर सेम है, जब सेम साइन हो इस सेम टर्म का, तो उस वक्त हम करते हैं इन दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट. तो मैं लिखता हूं सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड को फर्स्ट से सबट्रैक्ट करिए, तो जब सबट्रैक्टिंग आपने यहां पर लिखा, तो यहां पर साइन पूरा चेंज होगा. ये मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया है, लीनियर इक्वेशन का जो प्लेलिस्ट, इंट्रोडक्शन प्लेलिस्ट है, वहां पर जो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको सिखाया, उसमें डिटेल बताया मैंने कि ये कैसे चेंज हो रहा है साइन. तो ये साइन प्लस माइनस, माइनस बना प्लस, प्लस माइनस, तो यहां ये और ये कैंसिल, 2x ये माइनस 2x, प्लस x यहां बचा माइनस x, माइनस 2 माइनस 1 ये बनेगा माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3. इसका मतलब यहां पर x हमारा वैल्यू निकला 3. अब हमने y का वैल्यू निकालना है, तो चलिए हम y का वैल्यू निकालते हैं. मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड,
दो में से किसी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह पर 3, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू 3, इसी को मैं यहाँ पर लिखूँगा, इस x की जगह पर y इज इक्वल टू माइनस टू। तो 3 इसको राइट साइड में लाइए, ये बनेगा प्लस टू। इसको राइट, इसको लेफ्ट में लाया, माइनस टू को लेफ्ट में लाया, माइनस वाई को राइट में लिया, ये बना माइनस वाई इधर प्लस, माइनस टू यहाँ पर प्लस। तो और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू 3 प्लस टू इज इक्वल टू 5। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 5। देयरफॉर फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक्स बाय वाई इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। हमारी फ्रिक्शन जो है, जो हमने निकालनी थी, वो है 3/5। ये है हमारा आंसर, ये था हमारा क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, दो तीन बार देखिए, पांच छह बार तो प्रैक्टिस करिए अपने रफ पे, आपको इजीली समझ आएगा ये क्वेश्चन फिर एग्जाम।